अभी आदरणीय सैलन जी ने दो प्रमुख मांगे आप सबके सामने रखी हैं। प्रमुख मांगे हैं वो, मैं एक मांग, चूंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, एक लंबे समय से एक हमारे सागर की मांग है, मैं चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस मांग पे विचार करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये सागर हमारा जो नगर का क्षेत्र है, इसमें जब तक राजघाट बांध नहीं बना था तब तक हम सब लोगों के लिए पानी की बहुत बड़ी यहां पे संकट, बहुत बड़ी किल्लत यहां पे होती थी और दो महीने तीन महीने हम लोगों को पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे राजघाट बना के हमें दिया है। लेकिन अब चूंकि सागर नगर का बड़ा विस्तार हो रहा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन सागर में निवास करना यहां पे प्रारंभ किया है, तो जो वर्तमान में राजघाट की स्थिति है, यदि उसको जो उसका फेज नंबर दो था, सेकंड फेज था, आज हमें आवश्यकता लगती है कि हमारे राजघाट का सेकंड फेज हमें प्रारंभ करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अब हमें पानी की आवश्यकता बढ़ रही है। ये मांग काफी लंबे समय से लंबित है। मैं डॉक्टर साहब को इस मांग की तरफ इशारा भी करना चाहता हूं, अपनी तरफ से आप सब लोगों की तरफ से मांग भी करना चाहता हूं कि इस मांग के बारे में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी विचार करें। भाई जी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। बोलिए भारत माता की। आज हम सब लोगों का बड़ा गौरव का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में सम्मानी डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब लोगों के बीच में आज पहली बार पधारे हैं। करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे संगठन के मुखिया और छात्र जीवन से जिनने संघर्ष का पर्याय, जिन्हें हम सब लोग कहते हैं, ऐसे परम सम्मानी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, चूंकि समय काफी कम है इसलिए मैं सभी अतिथियों से सम्मानी मंच करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। सम्मानी मंच, आज मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके बीच में डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे, हमें खुशी है कि हमारे सागर नगर की जनता ने एक अभूतपूर्व स्वागत डॉक्टर साहब का यहां पे किया है। मैं सम्मानी मंच की ओर से पूरी सागर की जनता के लिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक अभूतपूर्व आज स्वागत रैली डॉक्टर साहब की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अभी आदरणीय सैलन जी ने दो प्रमुख मांगे आप सबके सामने रखी हैं। प्रमुख मांगे हैं वो, मैं एक मांग, चूंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, एक लंबे समय से एक हमारे सागर की मांग है, मैं चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस मांग पे विचार करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये सागर हमारा जो नगर का क्षेत्र है, इसमें जब तक राजघाट बांध नहीं बना था तब तक हम सब लोगों के लिए पानी की बहुत बड़ी यहां पे संकट, बहुत बड़ी किल्लत यहां पे होती थी और दो महीने तीन महीने हम लोगों को पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे राजघाट बना के हमें दिया है। लेकिन अब चूंकि सागर नगर का बड़ा विस्तार हो रहा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन सागर में निवास करना यहां पे प्रारंभ किया है, तो जो वर्तमान में राजघाट की स्थिति है, यदि उसको जो उसका फेज नंबर दो था, सेकंड फेज था, आज हमें आवश्यकता लगती है कि हमारे राजघाट का सेकंड फेज हमें प्रारंभ करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अब हमें पानी की आवश्यकता बढ़ रही है। ये मांग काफी लंबे समय से लंबित है। मैं डॉक्टर साहब को इस मांग की तरफ इशारा भी करना चाहता हूं, अपनी तरफ से आप सब लोगों की तरफ से मांग भी करना चाहता हूं कि इस मांग के बारे में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी विचार करें। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप सब लोगों ने आज ऐतिहासिक दिन हम सब लोगों के लिए बनाया और डॉक्टर साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सम्मानित सभी अतिथियों का स्वागत किया। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन,
टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।